हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, कल धनतेरस का त्यौहार है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा है, लेकिन झाड़ू खरीदने के बाद लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाती हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। धन के त्यौहार धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर की पूजा करने का महत्व है। कल यानी 10 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू खरीदा जाता है, लेकिन झाड़ू खरीदने के बाद लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को नाराज नहीं करने के लिए इस छोटी सी बात को ध्यान में जरूर रखें। जिस तरह धनतेरस पर नई झाड़ू को खरीद कर पूजा अर्चना करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, ठीक उसी तरह पुरानी झाड़ू को भी काला धागा बांधकर ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर दूसरे लोगों की नज़र ना पड़े। जब आप नई झाड़ू को कुमकुम रोली लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो पुरानी झाड़ू के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सोना चांदी आभूषण बर्तन खरीदने का धार्मिक मतलब है, ठीक उसी तरह झाड़ू भी खरीदा ही जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और इससे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी तरह पुरानी झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अगर आप नई झाड़ू के आते ही घर से पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं या इधर उधर डालते हैं, तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस कारण नई झाड़ू के आते ही तुरंत पुरानी झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन जिस तरह नई झाड़ू की पूजा करते हैं, वैसे ही पुरानी झाड़ू की भी पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज और वह झाड़ू खरीदे तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। कहीं पर नकारात्मकता है तो नई झाड़ू के से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी बात जिसे आप धनतेरस के दिन ना भूलें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव।